अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक रियल टेक। पाक रियल टेक में आने का बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और ट्रेन दोबारा ट्रैक पर आ चुकी है। या दोस्तों, पाकिस्तान रेलवे के लिए आज का दिन एक और अहम दिन है, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे ने एक और ट्रेन चला दी है। और ये ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो कि तमाम सूबों से होकर जाती है, और ये जाफ़र एक्सप्रेस जो कि 2 माह से बंद थी, अब दोबारा 20 नवंबर को आज की डेट में इसको बहाल कर दिया गया है। और ये आप खूबसूरत मनाज़र देख रहे हैं कि GU20 जो है इसको लीड करते हुए पेशावर से लाहौर तक जा रहा है। GU20 4563 जो है इसको लीड कर रहा है, और जाफ़र एक्सप्रेस दोबारा जो है ट्रैक पर आ चुकी है। पेशावर से लेकर मश तक जो है इसको बहाल किया गया है, और इंशाल्लाह इसको आगे भी क्वेटा तक चला दिया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि इसके अंदर अब दोबारा एसी स्लीपर की क्लास, एसी बिजनेस स्टैंडर्ड, और इसके अलावा इसमें एसी स्टैंडर्ड क्लास और इकानमी क्लास की कोचेस लगी हुई हैं। एसी स्लीपर जो कि जाफ़र एक्सप्रेस और तेज़गाम में ख़त्म किया गया है, लेकिन अभी तक जाफ़र एक्सप्रेस में इसको लगाया गया है, और इसके अंदर एसी स्लीपर की फैसिलिटीज़ दी जा रही है। ये आप खूबसूरत मनाज़र देख रहे हैं उसके एसी स्लीपर क्लास के, जिसके अंदर 2 और 4 पर्सन का कैबन बने हुए हैं। वो एसी स्लीपर जाफ़र एक्सप्रेस में दोबारा इसको लगा दिया गया। ये 2 वाला कैबन आप देख रहे हैं, इसके नीचे एक बर्थ है और एक ऊपर है, और इसके सामने टेबल है, और इसी के अंदर ही टॉयलेट बना होता है। ये 2 पर्सन वाला कैबन है, और इसके अलावा 4 पर्सन वाला कैबन जो है उसमें भी यही होता है कि 4 बर्थें होती हैं, और अंदर ही उसके अंदर टॉयलेट बना होता है और सामान रखने की भी जगह होती है। ये चाइना की कोच है, अच्छी है जी। हाँ, अगर आपको किराया बताता चलूँ तो किराया ये है कि पेशावर से लेकर मश तक जो किराया पाकिस्तान रेलवे का वो है एसी स्लीपर का 10,750 रुपये एक पर्सन का। और अगर आप 2 वाला कैबिन बुक कराएंगे तो उसमें आपके पास 2 बर्थें बुक होंगी, उसमें आपको हर बंदे को 10,750 रुपये जो है वो बुक पे करना होगा। और इसमें यह है कि 3 बंदे भी जा सकते हैं, लेकिन आपकी जो रिज़र्वेशन होगी वो सिर्फ 2 बंदों की होगी। और ये आप देख रहे हैं कि इसमें एसी बिज़नेस क्लास है। एसी बिज़नेस क्लास का जो पेशावर से मश का किराया है वो 8,000 फी पर्सन का है। इसमें 6 बर्थों का कैबन होता है, जिसमें 2 नीचे होती हैं, 2 सेंटर में, और 2 आपके पास क्या होंगी ऊपर होती हैं। ये एसी बिज़नेस क्लास है, और इसमें आपके पास किराया 8,000 फी पर्सन है मश से लेकर पेशावर कैंट तक। ये आप सामने देख रहे हैं कि ये एसी स्टैंडर्ड क्लास है, जिसके अंदर साइड पे भी बर्थें होती हैं, और इसके अलावा अंदर जो है कैबन में 6 बर्थें बनी होती हैं। तो एसी स्टैंडर्ड का जो किराया है मज से पेशावर का वो आपके पास 6,000 रुपये किराया है। ये भी एसी स्टैंडर्ड की कोच है, जिसमें आप देखें कि साइड पे भी बर्थें बनी होती हैं, और इसके अलावा कैबन में भी हर कैबन में 6 बर्थें होती हैं, लेकिन इसमें क्या है कि दरवाज़ा नहीं होता। ये देखें, 2 नीचे और 2 सेंटर में बर्थें हैं, और उसके अलावा 2 ऊपर बर्थें होती हैं एसी स्टैंडर्ड क्लास में। अलावा जो है वो इसके अंदर इकानमी क्लास की कोचेस लगी हुई हैं। ये आप सामने देखेंगे इकानमी क्लास का व्यू, और ये इकानमी क्लास की कोच में जाए नमाज की जगह बनाई गई है। यहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, मुसाफिर जो है वो गाड़ी के अंदर यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये इकानमी क्लास कोच का अंदर का व्यू है, उस मुसाफिरों ने जो है वो अपने पर्दे लगाए हुए हैं, अपने चादरें जो है वो बांधी हुई हैं। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के खूबसूरत मनाजर जब जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो अपने सफ़र के लिए रवाना होने वाली है। GU20 4563 जो है गाड़ी को लीड कर रहा है, और अभी जो है यहाँ से रावलपिंडी से गाड़ी डिपार्चर होने वाली है। जी, तकरीबन 2 माह बाद जाफ़र एक्सप्रेस रावलपिंडी से बलूचिस्तान के लिए रवाना हो रही है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाकी गाड़ियां भी बहुत जल्द बहाल हो जाएंगी।
पहले दे रहे हैं।